उनको इसमें से फ्री रख दिया। मतलब देखिए आप है ना, वो नहीं ले रहा है सेकंड डोज, तो इसलिए उसको हम वो नहीं देंगे राशन, तो ये ठीक नहीं है। इसको बिल्कुल फ्री रखिए, मतलब आप अपना पक्ष रखिए। दूसरे हम स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं देना है और भी कुछ ठीक है, आप राशन की दुकानों के पास लगाइए क्या, लेकिन आप उसको उसमें से फ्री रख दीजिए सर। आप मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए आप आपके राशन के दुकानदारों को। मेरे ऊपर कलेक्टर साहब है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, सीपी साहब है, इनकी जो कमेटी होती है ना, उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो हम आपके पास इसलिए आए हैं। आप इस पर आपका पक्ष रख सकते हैं। मैं तो अभी आपने जो दिया एक चीज है, नंबर दो ये है कि नेक्स्ट मंथ से 4 फरवरी से जो है तो रमजान चालू हो रहा है। अब हर कोई क्या चाहता है कि अपने घर में, देखो देखो मैं बोलूंगा आपको, अभी आप 10 दिन तक मेल करेंगे ना, यार 10-15 दिन करेंगे ना, तो ये मार्च एंड तक खत्म होने वाला है। अभी 70% अभी अपना 54% हो, 52 70% अगर ज्यादा है 8-10 दिन में, तो हम नहीं तकलीफ देंगे, इन तकलीफ यानी लोगों को नहीं करेंगे ना कंपल्सरी। इस अभी उसमें क्या है, अगर 70% हो जाए सेकंड डोज तो फ्री हो जाएगा ना पूरा जीना, कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे, आप समझ रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे कहीं। आपको नंबर दे दीजिए, 9763। बस एक मिनट, तो आप इसमें सीरियस किसी को आगे बढ़ाओ, कोई जेन्युइन इश्यूज आए तो ही हम मैं आपके पास आए। नहीं देखो मैं तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं साहब से बात करूँगा, लेकिन मुझे क्योंकि ये डिसीजन साहब ने लिया ठीक है, बट आप एक जनता का जो है ऐसा तो बोलना होगा। ये सो साहब से आज मुलाकात हुई आपकी, क्या डिमांड थी एमआईएम की और क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एंड कलेक्टर साहब की तरफ से ये एक नई शर्त लागू की गई है कि जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं होगा उसे राशन नहीं मिलेगा, उसे गैस नहीं मिलेगी। हमारा आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज सिटी यूनिट का जो है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से उनके ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई। हमने सर से यही कहा है कि ये जो आपने शर्त लगाई है, जो कंडीशन लगाई है, ये सरासर गलत है, इसलिए कि वैक्सीनेशन का विरोध तो हम नहीं कर रहे, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर पदाधिकारी ने, हर नगर सेवक ने अपने अपने वार्ड में वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हमारा कहना यही है कि अब अनकरीब रमज़ान है, रमज़ान के पेश नज़र जो है तो लोग अपने घरों में स्टोरेज करते हैं अनाज को लेकर, या फिर किसी और धर्म का आदमी हो, खाने के लिए हर कोई राशन दुकान पर पहुँचता है। अगर ये शर्त लगा देंगे तो गरीब जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसके अंदर। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपको वाकई अपना परसेंटेज बढ़ाना है वैक्सीनेशन को लेकर, तो आपने जो है तो पेट्रोल पंप पर तो वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है, लेकिन अगर लोगों को खाना राशन दुकानों के पास अगर आप वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं तो इसमें दोनों काम आसानी से हो जाएंगे, एक तरफ वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ेगा, दूसरे जो है तो लोगों को राशन वक्त पर मिला करेगा। तो यही डिमांड लेकर आज जो है तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और जो है तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह ऑफिसर से मुलाकात हुई, उन्होंने इस सिलसिले में आइंदा 1-2 दिन के अंदर मीटिंग लेकर जो है तो कोई फैसला करने का आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों से उन्होंने भी आह्वान किया है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो वैक्सीनेशन लें, ताकि हम जो है तो कोरोना से अपने आप को बचा सकें, अपने अफराज खानदान को बचा सकें।